ऑडियो सेटिंग सेट करने का मन कर रहा है, लेकिन फिर मन नहीं भी कर रहा है, कौन करेगा उतना। रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं ना। हाय, ये क्या हो गया? हेलो, हाँ हाँ अच्छा हेलो। हाँ विश्वा, क्या हाल है? अर्नब आया, विश्वा इंटरनेट इंटरनेट ठीक करो। अच्छा रहे वो शायद घर पे होगा ना, उसे उसमें इंटरनेट प्रॉब्लम रहता है ना। सबको ही अपना अपना नाम अपडेट कर लो। माइक ऑफ करो शायद। हेलो। आया नवा हरनम एंड आनंद, क्या हाल है आनंद? सब बढ़िया रवीश, तुम बताओ। कहाँ तो किए हम लोग, सबको एक एक करके बताते हैं कहाँ फंसे हुए। मैं पहले डॉकर पे काम किया हूँ, ये अच्छा डॉकर कंपोज तक किया हूँ। अच्छा डॉकर कंपोज तक किए हुए हो। हम भी लगभग लैब 5 कर रहे हैं अभी। उस लैब से तो नहीं कर रहे हैं, अभी रिसेंटली कंपनी का प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसमें कंटेनराइज करना था तो उसमें अच्छा यूज तो किए थे हम। एक्सपीरियंस शेयर करो अपना थोड़ा कुछ, जब तक लोग आते हैं। ऐसा भी हम लोग 7:30 तक इसको करेंगे, उसके बाद फिर जितने लोग आए ठीक है, नहीं आए ठीक है, हम लोग क्लोज कर देंगे, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। तो एक तरीके से हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो आनंद तुम ही शुरू करो ना, कि तुम कैसे कैसे कंटेनराइज किया या कुछ। तो मेरा मेरा क्या सीन था ना, कि एक प्रोजेक्ट कर रहे थे उसमें हम लोग को वो अटैच करना था, ये डेटाबेस अटैच करना था। तो उसमें सारा मतलब वही डॉकर कंपोज यूज करके कंटेनराइज करके फिर उसको वो किए थे। तो एक और बंदा था वो फ्रंट एंड पे काम कर रहा था, मेरा सारा बैक एंड का ही काम था, तो रिएक्ट पे काम कर रहा था। तो वो रिएक्ट का अलग कंटेनर बनाया था, फिर उसके बाद नोड का अलग कंटेनर, और ये सारा अलग कंटेनर करके फिर सारा इंटीग्रेट हुआ था। तो उसमें कोई ऐसा खास प्रॉब्लम आया था? हाँ आया था, काफ्का अगर इंटीग्रेट करना था ना, काफ्का भी इंटीग्रेट करना था। तो काफ्का का सर्वर ऑन करने के बाद ना वो कमांड लाइन से उसमें टॉपिक्स वगैरह सारे क्रिएट हो रहे थे, लेकिन उसको अगर एप्लीकेशन से कनेक्ट कर रहे थे ना तो वो नहीं हो रहा था। अच्छा तो मेरा सीनियर को बोले थे अभी उस पर, फिर देखा नहीं है, वो उसी में वो अटका हुआ है तो बेसिकली बैकएंड किस चीज़ में लिखा हुआ है? नोट पे। नोड पे, नोड और एक्सप्रेस हमको लगता है ना बैकएंड होगा, हाँ और जो काफ्का है उसके लिए अलग कंटेनर है कि अलग इमेज है, कि एक ही इमेज पे सब कुछ है? सारा अलग इमेज है। अच्छा ठीक है, तो देखना बताना हम लोग को भी क्या क्या हुआ। सारा अलग अलग कंटेनर यूज किए थे, कैसेंड्रा यूज किए थे, पोस्टग्रे यूज किए थे, और काफ्का यूज किए थे, और मोंगो डीबी, चार। कसांड्रा क्या है? अच्छा वो भी नो एसक्यूएल है, डेटाबेस है। ठीक है। और अभी तक कौन कौन कितना कितना तक जैसे पहुंचा? मोंगो मोंगो भी नो नो एसक्यूएल है ना,
हाँ मोंगो लेकिन मोंगो में नॉस्टिक शायद से लेकिन मोंगो में शायद से ना इंटरप्राइज एडिशन या फिर बहुत ज़्यादा जब डेटा स्टोर करेंगे ना उसके लिए पे करना होता है, और अच्छा कैसेंड्रा पूरा का पूरा ओपन सोर्स है। अच्छा मतलब कैसेंड्रा मोंगो का ही वो है हाँ एक तरह से अल्टरनेटिव। दोनों नॉवेल्स है। हाँ अच्छा अल्टरनेटिव जिनका जिनका नाम फेलो जिटसर बता रहा है ना, अपना अपना नाम अपडेट कर लीजिए। बॉटम राइट में जो तीन डॉट है उसमें जाके मी करके कुछ होगा, उस पर क्लिक करने से आप गूगल से लॉग इन कर सकते हैं या वैसा कुछ। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आइडेंटिफाई करने के लिए फिर कुछ मिलता नहीं है। अर्नब, तुम हमको बोला था कि तुमको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, अभी ठीक ठीक है, उसमें हिंट में दिया हुआ रहता है, हिंट भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गया। है तो। हाँ थोड़ा हेल्प दिया और फाइनल से थोड़ा हेल्प दिया हो गया। ठीक है, और फिर अभी किसी को प्रॉब्लम हुआ कुछ क्या? वैसे क्या हाल है? हेलो हाँ तुम तो पूरा कर लिया होगा ना। बहुत लेट से स्टार्ट किया तो अराउंड 50% अच्छा, और ऐसे तुम इन जनरल डॉकर और कंटेनर से फेमिलियर हो कि नहीं हो? हुआ। हाँ डॉकर कंटेनर से फैमिलियर तो है, लाइक बहुत सारा जब तो हम लोग सीपीयू यूजुअली खेलते हैं तो उसमें क्या करना होता है कि वर्चुअल बहुत अच्छी होता है, हमेशा वर्चुअल मशीन में कंफर्टेबल हो जाता है क्या तो फिर से डॉकर सपोर्ट। तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा है ऋतिक? हेलो हेलो हेलो। हाँ अभी आ रहा। हाँ हाँ तो एक्चुअली जो यूजुअली हम लोग जब कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड काम करते हैं तो फिर एक अलग से इन्वायरमेंट चाहिए होता है ताकि कि पूरा अपना सिस्टम जो है वो मेसअप नहीं हो जाए, तो स्पेशली हम लोग डॉकर के यूज उस टाइम करते हैं क्योंकि वर्चुअल मशीन बहुत हेवी हो जाता है। अगर वर्चुअल मशीन हर चीज़ के लिए डेवलप करना शुरू कर दें तो वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा एक स्मॉल सिस्टम में। तो ठीक डॉकर है। का मेन यूज़ मेरा यही होता है कि एक एक्स्ट्रा सिस्टम बिल्ड करने के लिए जो कि कुछ स्पेसिफिक टूल सेट रखे अपने पास, बस उसी को लेकर फैमिलियरिटी है जो है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज हम नोटिस किए। आज हम अभी एट दिस मोमेंट दो चीज़ पे काम कर रहे हैं। फ्रैपे जेएस का एक एनवायरनमेंट हम डॉकर में इंस्टॉल करना चाह रहे थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो फ्रैपे जेएस के लिए मारिया डीबी इंस्टॉल करना पड़ता है, और मारिया डीबी इंस्टॉल करने के लिए तुमको मतलब जब माई एस क्यू एल एडमिन स्टार्टअप करते हो ना, मतलब जब पहला बार रूट पासवर्ड सेटअप करते हो, तो उबंटू का जो इमेज होता है हम कोशिश किए कि उससे शुरू करते हैं। तो जब उबंटू का इमेज से शुरू किया तो उबंटू में तो कोई रूट पासवर्ड होता नहीं है, और मारिया डीबी को सेटअप करने गए तो वो रूट पासवर्ड एक तरीके से पता नहीं कहाँ से ले लिया। और उसके बाद फिर जैसे होता है ना कि पहला बार सेटअप कर रहे हो तो एंटर मार दो तो तुम पासवर्ड सेट कर पाओगे, लेकिन वो पहले से शायद कुछ सेट था, वो नल नहीं था, तो एंटर मार रहे हैं तो वो पासवर्ड मांग रहा है। और उसके बाद फिर जो एक अल्टरनेटिव होता है ना कि तुमको अगर रूट का एक्सेस होता है तो सिस्टम सीटीएल से स्टॉप करके फिर अंदर जाके वो वर्जन नंबर पे जो तुम्हारा रूट पासवर्ड है वो टेबल को क्लियर करके फिर से वो प्रोसेस करो। तो वो प्रोसेस करने गए तो हम नोटिस किए कि उबंटू का डॉकर इमेज में सिस्टम डी नहीं है। अच्छा तो मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है ना कि वो सिस्टम डी नहीं यूज़ कर रहा हो, तो पहले एक इनिट स्क्रिप्ट करके आता था जो सिस्टम डी के पहले यूज़ होता था, तो एक इनिट होता था जो एकदम स्टार्टिंग का स्क्रिप्ट होता है यू प्रोसेस ID 0 और वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है, तो फिर उसको स्टॉप करने का कुछ ऐसा होगा सर्विस माई एग्जैक्टली एसक्यूएल स्टॉप ऐसा कुछ करना होगा। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब एग्जैक्टली अगर ध्यान से सोचो ना तो इससे रियलाइज ये होता है कि डॉकर इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ वीएम। डॉकर इज़ अ सिंगल ऐप को चलाने के लिए एक एनवायरनमेंट, ना कि मतलब पूरा का पूरा वीएम को कॉपी पेस्ट करना। नहीं एक्चुअली डॉकर पूरा वीएम नहीं देता है, डॉकर क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर पे जो ऑलरेडी है उसको यूज करके चलाता है तो फास्ट होता है, लेकिन सिंगल ऐप मतलब क्या ही बोले, सिंगल ऐप भी चलता है लेकिन चाहे तो मतलब बहुत हाँ, सारे ऐप एक अंदर साथ रख के चाहें चला तो सकते चला हैं। सकते हैं, बट एक तरीके से
लाइक वीएम इज नॉट कि डॉकर वीएम को रिप्लेस कर देगा एक्चुअली, जब हमको रियलाइज एग्जैक्टली हुआ। रिप्लेस नहीं कर सकता, हाँ लेकिन बहुत ही कम अगर आपके पास रिसोर्स है तो डॉकर काइंड ऑफ हैंडी आ जाता है। हाँ क्योंकि वीएम क्या करेगा कि पूरा एक नया हाइपरवाइजर बनाएगा और सब कुछ आइसोलेट कर देगा ओएस से, बट डॉकर क्या है कि जो ओएस का बाइनरी है वो यूज करने का भी कोशिश करता है। ठीक है। अभी मतलब हम लोग 12 मिनट हो चुका है और हमारे पास लगभग 18 मिनट्स और हैं, तो दो चीज़ होगा। एक तो हम लोग सब अपडेट करेंगे कि हम लोग कहाँ तक काम किए हैं और कितने देर में हम लोग को लगता है कि इसको हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग सब कम से कम हाफ एन आवर इन हो चुके होंगे इसमें, 1 आवर। हेलो हेलो, ये वाला फेलोजीत सर कौन है? किसका नाम अभी तक फेलोजीत सर है? रोहित का नहीं है, अर्नब का नहीं है, आनंद का नहीं है, अयनवा का नहीं है, आदित्य का नहीं है, ऋतिक का नहीं है, बिस्वा का नहीं है। एक और कौन है जिसका नाम नहीं लिया है? मैं आशीष। आशीष हो। अपना नाम चेंज कर दो बाबू। बॉटम राइट में तुम्हारा 3 डॉट है, मोर ऑप्शन एक्शंस टाइप का, मतलब गूगल लॉग इन कर लो या उस टाइप का। ठीक है। हम लोग में से कौन मैं कौन अभी तक शुरू भी नहीं किए हैं? इसके बारे में पढ़ रहा था, डॉकर कंटेनर पढ़ा, डॉकर पढ़ा, डॉकर रजिस्ट्रीज पढ़ा, तो ये पढ़ ही रहा है, अभी नहीं किया। अच्छा। देखो चीज़ें हैंड्स ऑन करके देखोगे ना तो ज़्यादा समझ में आता है। हम अभी तक 6 या 7 अटेम्प्ट डाल चुके हैं पढ़ के समझने का इसको, लेकिन मतलब हर बार कुछ नया समझ में आता है, कुछ नया समझ में आता है। एक लेवल ऑफ कंफर्ट अभी आना शुरू हुआ है एक तरीके से। ठीक है। तो इन जनरल कोशिश करो कि जो हम लोग पाथ सेट किए ना उसी पे चल दो आँख बंद करके, क्योंकि तो सोच समझ के ही वो चीज़ सेट किया गया है। और कौन कौन शुरू भी नहीं किया अभी तक? कौन लोग ख़त्म कर चुके हैं? बिस्वा बोला था ख़त्म कर लिया है। किनको ज़रूरत ही नहीं है ख़त्म करने का, मतलब काफ़ी बेसिक है उनके लिए। यार कोई तो माइक अनम्यूट करो। हेलो, हाँ, आवाज आ रहा है सबको। हाँ, सबको आवाज़ आ रहा है वो पता है, लेकिन सब माइक अनम्यूट कर लो ना, क्या ही हम लोग प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग थोड़े कर रहे हैं। बस जिसका माइक बहुत ज़्यादा नॉइजी है वो थोड़ा म्यूट कर लो। तो हम लोग सब इन जनरल शुरू कर चुके हैं, दैट्स अ गुड थिंग। और अगला स्टेप यही है कि एक दिन और देते हैं इसको, और आज शाम तक हमको लगता है हम लोग सब ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। तो अगला जो हम लोग मीटिंग रखते हैं उसका एजेंडा अगर सेट करना ही है तो ये रखें कि डॉकर इन एक्शन का पहला दो चैप्टर हम लोग, पहला 2 या 3 चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट 4 दिन बाद। सही है, चलेगा। एक्चुअली सही मेरे है। पास शेयर करने के लिए कुछ रिसोर्स और भी है, तो अगर आप देखना चाहें तो एक बार देख तो करो सकते ना यार, कौन मना कर रहा है? हैं। लेकिन नहीं, एक्चुअली आइडियल एक आइडियल क्या कम होगा ना, देखो क्या होता है कि आइडियल ये होगा कि जो यहाँ पे हर स्किल लेवल के लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो डेवलपमेंट में अभी घुसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो 6 साल 7 साल से डेवलप कर रहे हैं। तो ये फ्री कोड कैंप का जो बिगिनियर्स वाला था वो मतलब हम लोग सबको एक लाइक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे लेते आएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर मतलब ये होना चाहिए कि हम लोग अगर एक रिसोर्स उठाए तो उसको ख़त्म किए। ठीक है। तो एक तरीके से जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला चीज़ होता है ना, ताकि मतलब चीज़ें ख़त्म भी होती रहें, तो रिसोर्स दो, हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे पर एक सीक्वेंस में करेंगे, और वो सीक्वेंस भी तुम ही डिसाइड कर सकते हो, हमको कोई इशू नहीं है। तुम अगर लाइक तुम ज़्यादा सही इंसान हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि तुम ज़्यादा बैकएंड में काम करते हो।
एक्चुअली मेरा जो रिसोर्स का सोर्स है हाँ वो एक यूट्यूब चैनल है, लाइव ओवरफ्लो। वो बहुत ही क्वालिटी वीडियो बनाता है, सिक्योरिटी रिलेटेड मोस्टली। और अच्छा अचानक से वो एक दिन डिसाइड करा था कुछ टाइम पहले कि वो डॉकर पे फोकस वीडियो बनाए, क्योंकि सिक्योरिटी में इतना यूज होता है वो, और उसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन भी बहुत हाई है। लाइक हाँ कहीं पे भी कुछ भी है, पूरा एक सब कुछ रोल कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन पड़ता है उसका। हाँ तो वो पूरा एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है डॉकर पे। और एक्चुअली उस बंदे का खासियत ये है कि वो किसी भी बात को बहुत ही शॉर्ट में बोलता है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, बहुत सिंपल वीडियो होता है अच्छा और बहुत डिटेल्ड रहता है। तो ठीक है लाइक डॉकर काम करता है लिनक्स कंटेनर को लेकर के, और लिनक्स कंटेनर बेस्ड है लिनक्स नेम स्पेस को लेकर के। तो वो नेम स्पेस तक पहुँचा करके छोड़ेगा और फिर पूरा रिसोर्स दे देगा। तो उससे क्या होता है कि पूरा कंप्लीट का कंप्लीट रेफरेंस मिल जाता है, लेकिन शॉर्ट में। अच्छा तो प्लेलिस्ट शेयर कर दो, एक प्लेलिस्ट ही ना है। हाँ एक प्लेलिस्ट है, दोनों का लिंक एक्चुअली हम ये कमेंट में भेज दिए इधर चैट में। चैट कमेंट में डालने से कोई रुक कर मतलब नहीं है भेज क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा, तो दो। एक तरीके से उसको ग्रुप में भेजो तो हम लोग सब जान पाएंगे। ठीक है अर्णव, ये ठीक है चीज़ तुम्हारे लिए है कि तुम जब कोई प्रॉब्लम आया ना तो ऐसा मत सोचो कि तुम सिर्फ अयनवा से उसको डिस्कस करोगे, उसको कहीं पे भी किसी भी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो ग्रुप में डाल दो, क्योंकि हम लोग सब बिगिनियर हैं, हो सकता है हम कोई चीज़ इंटरेस्ट हो या फिर तुम्हारा प्रॉब्लम से हम लोग सब कुछ सीख पाएँ। ठीक है तो कहीं पर भी किसी को भी डाउट या प्रॉब्लम आता है तो दैट इज़ मोस्टली एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्न फॉर एवरीवन, एक्सपीरियंस चाहे उसका जितना भी है। अर्णब ओके ठीक है, मतलब ओके इट्स इट्स अ बहुत छोटा सा ग्रुप है इसीलिए काफी कंफर्टेबल रहो, हम ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक एक्चुअली वो है बहुत सिली इशू था सिली इसलिए इशू वो नहीं था, वो सिली इशू नहीं था, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये जो जजमेंट का जो डर होता है ना कि लोग हमको जज करेंगे वो निकाल दो। ठीक है मतलब हर इंसान को इज्जत दो इतना कि मतलब बंदा यहाँ सीखने के लिए ही है, और वो इज्जत खुद भी एक्सपेक्ट करो कि अगर कितना भी सिली इशू है हम डाल दिए तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अगर तुम तो यहाँ पे बोल रहे हो, तुम फ्लटर कम्युनिटी पे जाके फ्लटर का रेपो में मेरा इश्यूज पड़ेगा तो कुछ कुछ बहुत सिली होता है। ठीक है पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूछना बंद कर देंगे, हम पूछ रहे हैं इसीलिए हम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, समझ रहे इस बात को? तो जजमेंट का डर मत रखो कि कोई तुमको जज करेगा या इशू सिली है या कुछ, तुमको अगर कोई भी डाउट आया तो वो मतलब एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन सकता है जिससे आगे जाके मतलब एक मतलब डिस्कशन ऐसे चल सकता है जिसमें बहुत लोग एंगेज होके कुछ सीख सकता है, मतलब वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा उसको माना। ठीक है ऋतिक प्लेलिस्ट शेयर कर दिया है, टाइम मिलेगा तो हम लोग डाल देंगे। हाँ वो सिंगल वीडियो है। ये इसके आगे होगा इसका वीडियो, मतलब कि सीक्वेंस में ये बनाते जाता है। मे बी पूरा पूरा प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट नहीं बनाया शेयर अलग नहीं से, हुआ। नहीं एक प्लेलिस्ट सेकेंड नहीं हम बनाया। चेक करके डाल देते हैं। ठीक है वो गूगल तो डाल सर्च दो, इज और कुछ बोलना है किसी को? 10 मिनट और है। सब कोई कहाँ कहाँ से है अभी हम लोग के चैट में, एक और फेलोजी सर, अच्छा फेलोजी सर वही है, आशीष है, आनंद, अर्णव, अभी कहाँ कहाँ पे हो सब? आनंद तुम अभी कौन सा शहर में हो, घर पे हो सरगाटी। घर गया कि सरघाटी में हो? अर्णब अभी कोलकाता से बोल रहे होगे, अयनवा भी कोलकाता से होगा, हेलो आदित्य तुम भी कोलकाता से हो ना? तुम भी कोलकाता से हो ना आदित्य? नहीं, मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर में हो अभी कि कोलकाता में हो कि कहाँ अभी ग्वालियर में हूँ। हो? ग्वालियर में हो, और कंप्लीट कर लिया क्या तुम? अच्छा नहीं, मैंने लैब 1 कंप्लीट किया है और लैब 2 अच्छा मेरा आधा चल रहा है। मतलब लैब 5 में अभी हम हैं, कोशिश करते हैं कि कल शाम तक हम लोग सब लैब 9 तक कंप्लीट कर लें। ठीक है और आशीष तो रांची से है, हम भी रांची से हैं, विश्वा जमशेदपुर से है, ऋतिक अभी कोलकाता में हो कि कहीं और हो?
नहीं अभी तो बिहार में, हाँ कहाँ? तुम्हारा घर तो मुजफ्फरपुर एरिया में। मुजफ्फरपुर में था उस तुम्हारा घर। हाँ वो लोग नहीं आए आज, ये ग्रुप में कुछ सीनियर लोग भी हैं जैसे रुद्रनील दा हैं, और वो क्लाउड में बहुत सारा सर्टिफिकेट लिए हैं हाल फिलहाल में। फिर सुमन संदीप ये लोग नहीं आया, वामसी हमको नहीं याद है, मतलब वो यूडेसिटी में शायद मिले थे हम लोग, MWS साथ में किए थे। तो मतलब एक तरीके से ये ग्रुप में पूरे इंडिया से काफ़ी लोग हैं, मतलब कुछ लोग साउथ के भी हैं, तो थोड़ा इंक्लूसिव रहना है और मतलब सीखने पे फोकस रखना है और क्या। ठीक है, अभिनव नहीं आया ना? ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि चीज़ों को असिंक्रोनस रखें, और ऐसा मत सोचना कि सिर्फ शाम को 7 बजे ही जो बात होती है वो होती रहेगी। व्हाट्सएप में आराम से कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं हम लोग एक दूसरे से, ठीक है? और इन जनरल डेवलपमेंट रिलेटेड भी डाउट हो तो थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं, वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन मत रखना कि एक ही चीज़ पे बात करना है, ठीक है? लेकिन अगर कोई भी कन्वर्सेशन का थ्रेड बहुत लंबा चला जाए तो उसको फिर DM में डाल देना और क्या। बाकी सब और कुछ वो कुछ कहना है तो फिर यहीं पे रोकते हैं इसको। हेलो, हेलो भैया, हेलो, हाँ विश्व बोलो। आवाज आ रहा भैया? बोल हाँ अभी आया, रहे कहाँ कि था भैया, तुम? बोल रहे कि 9 नंबर पर नहीं है, मतलब 8 ही है। 9 नंबर हम कर रहे थे ना, तो मतलब बोल रहा कि अपडेट सुन, मतलब अवेलेबल नहीं है अच्छा, मैंने तुम खत्म कर लिया है यही लैंडलाइन। बताना चाह रहा नहीं, वो अवेलेबल नहीं है वो बोल रहे हैं। और 8 वाला का जो लास्ट वाला है ना, वो हम नहीं बना पाए, मतलब ठीक उसका है, कुछ हम लिंक आते भी हैं, नहीं था। 10 मिनट में आते हैं, बना लेते हैं। बस वही इन्फॉर्म कर रहे क्या क्वेश्चन क्या है 8 का लास्ट वाला? थे। स्क्रीन शेयर करो ना, बहुत स्क्रीन ट्रिकी शेयर था, करो ना। मतलब असल में स्क्रीन शेयर कर, अभी हम अपने फोन में कर रहे हैं ना, बाहर आने के लिए फोन यूज कर ठीक रहे है, हैं, बताओ वो तो अंदर बताओ। में है लैपटॉप में। वो कुछ नेम स्पेस या फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस का कुछ फाइल बनाने के लिए बोल रहा था, अच्छा जो जो फाइल था, और वो फाइल बना मतलब वर्डप्रेस और एक तो दूसरा कुछ था, वो दोनों का मतलब बना। एमएल फाइल को बनाने का कोई तरीका नहीं दिया है वो, अच्छा तो वो नहीं हो पाया, मतलब हिंट में कुछ नहीं था और ऐसा चीज बोल दिया एकदम अचानक से, वो नहीं हो अच्छा पाया, वो वीडियो वही में बना। होगा और क्या। हाँ वो वीडियो में होगा सर। हाँ नहीं होगा तो फिर किताब है कौन और सा ये क्वेश्चन है प्लेलिस्ट में। वो? 8 का लास्ट क्वेश्चन, एट हाँ एट का लास्ट क्वेश्चन। कोई स्क्रीन शेयर करके बनाओ ना, मज़ा आ जाएगा। हम उसका 5 मिनट है अभी अभी। बनाते तब तुम बताओ देख। बाबू, तुम्हारा तो आवाज ही नहीं आ रहा है घर से बाहर रहने के बाद भी। मेरे नहीं स्क्रीन क्या पाया, आएगा? कोई और कर देते हैं तुरंत, बहुत इजी है। हम ही शेयर कर दें क्या? हाँ कीजिए ना। लैब 8 क्लिक हियर टू एक्सेस लैब्स। स्क्रीन शेयर, शेयर विंडो स्क्रीन। डॉकर फॉर बिगिनियर्स कहाँ गया? फायरफॉक्स शेयरिंग इंडिकेटर। देखो मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ स्टार्ट हाँ देख सिनेरियो करते रहा हैं इसका आखिरी क्वेश्चन। जो आखिरी क्वेश्चन कैसे जाएंगे, तो हमको एक एक करके जाना पड़ेगा। इजी है, चलिए ना, हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितना ईजी है, बताते रहना फिर और क्या। कोशिश कमांड वर्सेस एंट्री पॉइंट। क्विज भी ओपन कर लीजिए। कर रहे हैं सर।
ये वाला है कि ये वाला है। फर्स्ट क्रिएट अ पोस्टग्रेस डेटाबेस कंटेनर कॉल्ड डीबी इमेज पोस्टग्रेस एनवायरमेंटल वेरिएबल पोस्टग्रेस पासवर्ड माय सीक्रेट पासवर्ड चेक दिस इंस्टॉकर डन एनवायरमेंट वेरिएबल देंगे पोस्टग्रेस पासवर्ड पासवर्ड और नेम देंगे डीबी ना ना और पोस्टग्रेस ऐसा है कुछ ना। हाँ चेक कर दें होने के बाद एक सेकेंड ये अर्नब भी एक डाउट किया है वो उसको नैनो से वो मॉडिफाई होगा अर्नब VI से हम तो VI यूज कर रहा था करो करो हमसे नहीं होता है वो सब चीज ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिखाया ना हाँ मतलब मॉडिफाई कैसे करे थोड़ा दिखाइए जो जो तुम स्क्रीनशॉट शेयर किया है एक सेकंड नहीं भैया ये क्या पोस्टग्रेस पासवर्ड इक्वल टू नहीं दिया अच्छा इक्वल टू नहीं दिया हमने जा हाँ इसीलिए एरर आ रहा था बोलना चाहिए यही चीज़ अगर डॉकर कंपोज में करते ना तो बहुत इजी हो जाता है। हाँ हो तो जाता है पोस्ट ग्रेस स्पेलिंग सही ना क्या प्रॉब्लम है बताओ सही है वो कह रहा है जो कंटेनर डीबी है ओ अच्छा इसको रिमूव कर दीजिए स्टॉप करके स्टॉप रिमूव करने से कंप्लेन कर सकता है हाँ ठीक है तब हो गया मतलब स्टॉप था तभी क्रैश किया तो स्टॉप ही नहीं रहेगा हाँ सही है ना सही है हो जाना चाहिए देखो हम भी नो सीखे हैं नेक्स्ट क्रिएट अ सिंपल वर्डप्रेस कंटेनर कॉल्ड वर्डप्रेस इमेज वर्डप्रेस लिंक इट टू द कंटेनर डीबी एंड एक्सपोज इट ऑन ठीक है वो तो सही है लेकिन इसको फिर बंद कैसे करेंगे कंट्रोल सी करना होगा नेक्स्ट क्रिएट अ सिंपल वर्डप्रेस कंटेनर कॉल्ड वर्डप्रेस हाँ कंट्रोल टॉकर रन नेम है वर्डप्रेस और कंटेनर डीबी से कैसे लिंक करें जल्दी बताओ माय हाइफन आई विल लिंक डीबी और फिर जल्दी बताओ सेमी कोलन डी इससे तो तुम्हारा आवाज कट रहा है लिख के भेज दो कमेंट कमेंट में ऋतिक बताओ जल्दी डैश डैश लिंक इज इक्वल हाउसकीपर डीबी हेलो लिंक इक्वल टू इक्वल नहीं मतलब स्पेस के बाद ऐसे ऐसे सही है डीबी कोलोन डीबी ऐसे हाँ सही है हाँ अच्छा और पोर्ट देना होगा पोर्ट 80 को ही एक्सपोज करेंगे ना 85 को एक्सपोज कर दो क्यों
कैनन, मैं बोल रहा था 8085 को भी पोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं 8085 होस्ट का पोर्ट होना चाहिए, और वर्डप्रेस का इमेज का पोर्ट कौन सा होता है जिस पे वर्डप्रेस अपना रिक्वेस्ट, 80 80 होगा ना? अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो पिछला वाला कंटेनर चलाए थे ना, तो उसको डिटैच मोड में ऐसा करना होगा, नहीं डिटैच पूरा लिखना होगा। नहीं, माइनस डी काम कर जाएगा, डॉकर बन जाएगा ना उधर तो। अब देखो चेक करके क्या होता है। लेट्स रन इट विद डॉकर कंपोज। तो अभी वर्डप्रेस साइट ऐसा कुछ दिख रहा होगा। लेट्स क्लीन अप आवर एक्शंस कैरिड आउट इन प्रीवियस। अरे गजब वर्डप्रेस चल रहा है। डॉकर पीएस डॉकर स्टॉप वर्डप्रेस डीबी डॉकर आरएम वर्डप्रेस डीबी और आरएमआई थोड़ा करेंगे। वर्डप्रेस कंटेनर डिलीटेड, डीबी कंटेनर डिलीटेड हो गया। चलो आगे बढ़ा। अब डॉकर कंपोज यूएमएल एलएस सीडी वर्डप्रेस में गए। अरे यार ये ऐसा होता है ना ऋतिक, ये क्यों नहीं काम किया? नहीं काम तो किया। अभी जो किए ना वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है तुम्हारा इसका, कि एक कमांड तुम डाला, जैसे मान लो MKDIR, और उसमें कुछ लंबा डाला, a/b/c/d/x टाइप का कुछ, और उसके बाद फिर अरे यार डैश पी देना भूल गया, और उसके बाद फिर तुमको पिछला जो कमांड था उसका जो पैरामीटर था उसको कॉपी करना है, तो ये कर सकता है। अब PWD दबाएंगे तो देखोगे कि हम ये ABCDEXA वाला जो था उस फोल्डर में आ गए हैं। ये मास्टरी की एक चीज हम सीखे थे कहीं से। तो बेसिकली हमको एक डॉकर कंपोज डॉट एम एल फाइल बनाना है, तो उसके बाद उसको एडिट करना है। अच्छा हमको वर्डप्रेस नाम का फोल्डर बनाना था। चलो सही ही है, गलती से बनाई ये बिना देखे, पर बन गया। इंटरनेट ऑन है ना मेरा, बीच बीच में हाँ हाँ कोई कोई बोलते रहा करो। वंस डन रन अ डॉकर कंपोज अप, अ कंपोज फाइल शुड हैव एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्डप्रेस एंड डीबी कंटेनर। तो अब बताओ कि ये जो कंपोज फाइल है वो कौन बनाएगा मेरे साथ, इसमें क्या क्या लिखना है? डॉकर पहले कंपोज वर्जन लिखना पड़ता है, सबसे पहले आनंद लिखा वर्जन होगा। लिखना होता है।
ऐसे वर्जन, उसके बाद वर्जन कोलोन, उसका ये वर्जन अभी 3 चल रहा थ्री कैची का चल रहा है है, डॉकर कंपोज का वर्जन, ये, डॉकर तो कंपोज का वर्जन इन्वर्ट, देना है। हाँ इन्वर्टेड कॉमा में 3 देना है। अच्छा, हमको लगा कि अपना ऐप का वर्जन देना है। नहीं, उसके बाद सर्विसेज, सर्विसेज, कोलोन, हाँ, एंटर, एंटर। अब टैब टैब डाल के जितने भी सर्विसेज है उनको एक साथ में जितने कंटेनर क्रिएट करने हैं ना हाँ, वो सारे सर्विसेज के अंदर आएगा। एरो देना है कि ऐसे ही, आप एक मतलब टैब देना है, कमांड देना है कि ऐसे ही? टैब देना है, उसके बाद क्या देना है? वर्डप्रेस, उसके इसका बाद फिर नाम, वर्डप्रेस, हाँ वर्डप्रेस, कंटेनर का नाम वर्डप्रेस उसका है। क्लोन, हाँ ये कंटेनर का नाम नहीं है, सर्विस का नाम है। हाँ, अच्छा, ये सर्विस का नाम है। फिर इसमें क्या उसके बाद वर्डप्रेस लिखना का इंटर, है? इंटर, वर्डप्रेस किसी पे डिपेंड था, वर्डप्रेस का किसी पे डिपेंडेंट था, डीबी कंटेनर पे डिपेंडेंट था ना ये, हाँ, डीबी पे डिपेंड, तो आउटपुट नहीं लिखा, मिलता। हाँ तो लिखो डिपेंड्स अंडरस्कोर ऑन, डिपेंड्स ऑन, कोलोन, इंटर के बाद फिर उसके अंदर आके हाइफन स्पेस डीबी जिसपे भी डिपेंडेंट था वो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इंटर, उसके बाद फिर नहीं अभी वर्डप्रेस का पूरा चीज नहीं हुआ है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी बोलो। हाँ तो अब इमेज कोलोन, इमेज, हाँ अब इमेज जो भी यहाँ पे डालना ठीक है, है वर्डप्रेस, वहाँ पे लेटेस्ट भी लिखा जा सकता था ऐसा, वो लेटेस्ट ही लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट, हेलो, सो भाग गया। अच्छा, हेलो। हाँ मेरी आनंद, आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रहा है, आराम से बोलो। पोर्ट, हाँ तो यहाँ पे फिर पोर्ट, पोर्ट ऐसे एस होगा, एस भी होगा वहाँ अच्छा, पे, कॉलोन, फिर नीचे, हाँ यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे हाइफन, नीचे हाइफन देके भी लिख सकते, इतना नहीं है, एरर देगा कि नहीं देगा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। अच्छा, जैसे पोर्ट्स के बाद कोलोन हुआ ना, उसके बाद इंटर देके हाइफन देके जहाँ से जहाँ मतलब पोर्ट को एक्सपोर्ट करना, लाइक 80:80 ऐसे करके लिख सकते हैं। कहीं कोई सैंपल वैम्पल नहीं दिया हुआ? अरे ये तो है, वर्जन 3 सर्विसेज डीबी इमेज, इमेज माई सिकल से आया था कि एनवायरनमेंट वगैरह देने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग दो चीज़ भूल रहे हैं। इसमें क्लिक करेंगे तो पिछला में नहीं जा सकते हैं। सर्विसेज में सबसे पहले हम लोग डीबी बनाएंगे, कहे कि देखो वर्डप्रेस को तुम डीबी से नहीं बना, पहले नहीं बना सकते हो, क्योंकि नहीं उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो देखेगा ना डिपेंड्स ऑन डीबी है तो वो हाँ पहले डीबी स्टार्ट कर देगा, अच्छा वो इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो बताओ जल्दी जल्दी। इमेज, तीन चार पाँच छः, ठीक है। पोर्ट्स बताओ। आईफोन, वर्डप्रेस आईफोन देना होगा, नहीं तो काम करेगा वो, वर्डप्रेस के पहले आईफोन देना होगा। के पहले हाइफन देना होगा।
एक स्पेस भी है। शायद गलत बोल रहे हो तुम, क्योंकि हम एग्जांपल लिए हुए हैं सामने में। वॉल्यूम्स नहीं डालना है कुछ, रिस्टार्ट वगैरह कुछ नहीं करना है। एनवायरनमेंट जो है डिपेंड्स ऑन डीबी सही है, इमेज वर्डप्रेस सही है, पोर्ट्स जो है उसमें तुमको यहाँ पे हाइफन देना होगा, क्योंकि इमेज तो एक ही होता है ना, तो इसीलिए शायद। यहाँ पे हाइफन और यहाँ पे फिर नहीं, हाइफन अंडरस्कोर में ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, 8085 नहीं था था ना। ना और हाँ 480 था। और उसके बाद एनवायरनमेंट में कुछ था क्या? एनवायरनमेंट में कुछ नहीं था सर, नहीं वर्डप्रेस का एनवायरनमेंट कुछ नहीं था। नहीं था, चलो अच्छा है। और अब एक एंटर मारेंगे और उसके बाद डीबी में आएंगे और एंटर मारेंगे, 1 2 3 4। और डीबी में भी कुछ इसी तरीके का इमेज जो हाँ होगा पोस्टग्रेस होगा। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा बचा लेना। और हाँ डिपेंड्स ऑन कुछ नहीं। पोर्ट्स इसमें था क्या? पोर्ट्स नहीं था शायद। पोस्टग्रेज जैसे 5432 पे चलता है। नहीं, एनवायरनमेंट था तुम्हारा, एक वेरिएबल था। पोस्टग्रेस पासवर्ड होगा, कैपिटल में पोस्टग्रेस अंडरस्कोर पासवर्ड। हाँ एक सेकेंड ना। मैं कमेंट में डाला ये जाएगा, कमेंट दे में भी डाला जाएगा, एक दिया, बार देख। आनंद दे भी दिया तुम। एक सेकेंड हाँ रुकना ना। हेलो। हेलो फोन आ गया था, सॉरी, घर पे लोग ओके बुला रहे हैं, हम ऑफिस में। एनवायरनमेंट में अपना डेटाबेस वगैरह कुछ नहीं डाले थे हम लोग। हम लोग पिछले स्टेप में क्या किए थे, किसी को याद है? नहीं। पोस्टग्रेस का पासवर्ड कुछ डाले थे हम लोग। वो तो भैया ऑप्शन में दिया हुआ, नीचे में देखिए, वहां अच्छा पे हाँ, तो वेरिएबल का क्वेश्चन में देखिए नीचे। वैल्यू किसको याद है? बार फाइल क्लोज करके हिस्ट्री में देखिए ना, मिल जाएगा सीक्रेट कमांड पासवर्ड। हिस्ट्री। डॉकर तो पूरा क्लीन कर दिया ना हम। माई सीक्रेट पासवर्ड था शायद। हाँ सही, हाँ माई सीक्रेट पासवर्ड था पक्का। इन्वर्टर कॉमा में हाँ इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, जरूरी है। चलो उसके बिना भी चलेगा। हमको लगता है इतना ही होगा ना, और तो कुछ होगा नहीं। और पोर्ट और भैया वो लिंकिंग वाला कैसे हुआ? लिंकिंग ये हो गया ना, यहाँ पे डिपेंड्स ऑन जो डाला। अच्छा और तो कुछ था नहीं? अगर पोर्ट एक्सपोज करना तो कर सकते हैं 5432। नहीं, पोर्ट एक्सपोज क्यों करेंगे हम लोग, इंटरनली लिंक कर रहे हैं ना दोनों को। तो चलेगा फिर। अब कंट्रोल एक्स वाई, और अब डॉकर कंपोज अप करना है ना, बस ऐसा करके कुछ ना। नहीं, कंपोज और डॉकर के बीच ही रहेगा, हाइफ़न, आईफोन रहेगा। चलो वाओ हो गया। चेक करो। वर्डप्रेस लिंक टू डीबी कंटेनर हाँ मैनेजर, लिंकिंग नहीं हुआ।
सर डिपेंड्स ऑन सर लिंकिंग नहीं होता है, क्योंकि वो तो बता रहा कि बस उस पर डिपेंड है। बताओ बताओ आनंद, क्या बोल रहे हो? डिपेंड्स ऑन से ही होता है। डिपेंड्स ऑन से ही होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार ये चीज चेंज कर दिया ना, ऊपर वर्जन लिंक्स करके भी दिया हुआ है। एक ऊपर वर्जन तो 3 है ना, उसको 3.7 करके देखना, तो उसमें डॉकर कंपोज फाइल। अरे वर्डप्रेस 1 और वर्डप्रेस अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर 1, ठीक है। तो एक्चुअली बात वो नहीं है कि इसका मतलब लिंकिंग नहीं हुआ, लिंकिंग एक्चुअली में हुआ, लेकिन ये जो डीबी होना चाहिए था वो डीबी का नाम नहीं है। मतलब डीबी कंटेनर विथ रनिंग विथ पोस्टग्रेस पासवर्ड। एक बार व्हाट्सएप पे कुछ भेजे बोल रहे किसी ने, व्हाट लिंक्स डीबी ट्राई करते हैं क्या जा रहा है। तो डिपेंड्स ऑन हटा दें। चलो कहते से पहले तो बात ना, हम जो लास्ट टाइम काम किया था ना डिपेंड्स ऑन पे ही थे, तो मेरा काम कर रहा था। मैं देख लेते हैं क्या जा रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन से तो सीखते हैं। पर कौन सा वीडियो देखे हैं? चीज जो है ना बढ़ता है। मेरा जो डिपेंड्स ऑन काम कर रहा था ना, वो वर्जन 3.7 पे काम कर रहा था। मैं भी चेंज किया हूं, पता नहीं क्या, कोई बात नहीं। हाँ देखो वर्डप्रेस तो भाई काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस खोलोगे तो इसमें काम कर रहा है, काम कर रहा है तो कर रहा है, फिर काम किया ना वर्डप्रेस। तो ये चेक में जो है ना, बात बस ये है कि ये जो डीबी है ना, ये डीबी का नाम यहाँ पे कुछ अलग है, अंडरस्कोर डीबी अंडरस्कोर 1 है, तो हमको लगता है उसका कुछ प्रॉब्लम है। कहे कि देखो डीबी कंटेनर रनिंग विथ इन वेरिएबल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वर्डप्रेस रन भी कर रहा है। तो अब इसका क्या करना है? लिंक कंटेनर्स इन डॉकर कंपोज। चीज और करके देख लो ना रवि। हाँ बोलो ना। 3.7 करके और वापस से डिपेंड्स ऑन करके देख तो एक बार। 3.7 करके देखो काम कर रहा है, ये बात नहीं कि काम नहीं कर रहा है, ये अंदर में टेस्ट क्या कर रहा है वो बात है यहाँ पे, समझा? वर्डप्रेस तो काम करते हुए दिख ही रहा है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा है। देखो ये वर्डप्रेस खुला, यहाँ पे लॉग में एक नया आया। नहीं वो लिंकिंग नहीं हो रहा ना, लिंकिंग का बोल रहा है। Expose environment अच्छा एक बार ये ट्राई कीजिएगा, डीबी कोलोन डीबी जैसे पॉट्स में लिखा हुआ है। ओह हाँ हाँ, ये भी सही बोला तुम। तो वो डिपेंड्स में होगा कि लिंक्स में होगा? फिर लिंक्स में, लिंक्स में ऐसे तुम बोलना चाह रहा है ना, डीबी कोलोन डीबी। हाँ कोट्स में भी डाल दीजिएगा कोलोन, तो डीबी कलोन डीबी, और उसके बाद फिर तुमको यहाँ पे फिर डिपेंड्स ऑन भी डालना पड़ेगा ना एक। नहीं फिर उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। कंट्रोल एक्स आई और उसके बाद फिर ये हो रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग चेक कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये पहले हमको लगता है सफाई करना होगा।
डॉकर आर एम वेट्रेस 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 डॉकर कंपोज आर भूल गया यार, लेटेंसी इसलिए अच्छा नहीं लगता। चेक करो ये, ये भी तो है, इसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? It's good that is, but also one if you have the Docker Compose files and dimension. So yeah, so I'm also facing the same issue. Links, DB, DB, image, WordPress, वगैरह ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी का काम नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, वर्जन 2 पे काम कर रहा है। सर्विसेज डीबी एनवायरनमेंट पोस्टग्रेस पासवर्ड इमेज पोस्टग्रेस वर्डप्रेस इमेज पोस्टग्रेस लिंक्स डीबी पोर्ट्स वर्जन 3। समटाइम्स द करेक्ट आंसर इज लोकेटेड अंडर पाथ वेयर आंसर्स, सो वाह। CD where slash answers, वाह इसमें एक answers फोल्डर भी है। वर्जन 3 हम लोग का सही है, पोर्ट सही है, लिंक्स डीबी सही है, इमेज वर्डप्रेस इमेज पोस्टग्रेस सब सही है। अब हम बताएं क्या प्रॉब्लम है। इसी को कॉपी पेस्ट करके चेक कीजिए हाँ बार, इसी फाइल को कॉपी पेस्ट कर। ठीक है, इसको वर्जन एडिट। थ्री कोई ये इसमें कंट्रोल सी काम नहीं करता। सीपी अच्छा कमांड से कॉपी कर दीजिए ना वो फाइल को, अच्छा इसमें कॉपी में बहुत दिक्कत हो रही सीपी रीनेम है। हाँ कर सकते ना फाइल को, नहीं तो वेर आंसर्स आंसर्स आंसर्स, और उसके बाद फिर डॉकर कंपोज तो रूट करेंट वर्डप्रेस। डायरेक्शन है, अभी तो करेंट में ही है ना वो। सही है, डॉक्टर कंपोज। अरे यार इतना सारा कमांड हो गया है। अभी आएगा, अभी भी नहीं आ रहा है। चलो अपना कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक हाँ
चलो, मतलब ये टेस्ट खराब है। तुम ही सोचो ना, लिंक नहीं होगा तो वर्डप्रेस ऑन कैसे होगा? अगर वर्डप्रेस को नहीं मिलना है डीबी तो वर्डप्रेस ऑन कैसे होगा? ये तो किसी का पास ही नहीं हुआ है। देखें इसका पास कर रहे हैं, ये ऑफिशियल है ना कोड क्लाउड का, विम डॉकर कंपोज डॉट यमल क्या? भाई थोड़ा स्पीड में नहीं चलेगा ये, इमेज है, GIF है, जानता है। एक ठो GIF का वो बनाना बहुत जरूरी है, मतलब सीकर। ऋतिक ये चीज बनाएगा क्या? क्या बनाने वेब बेस्ड GIF सीकर। ऑलरेडी अवेलेबल है, कहीं ना कहीं तो दिखता शायद है। कोई भी वीडियो प्लेयर में GIF सपोर्ट होना चाहिए। वीडियो प्लेयर्स में तो होता ही है मोस्ट लाइकली, VLC तो चला लेता है जहाँ तक याद है उनको। हाँ नहीं हुआ इसका तो कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, हम लोग का क्यों नहीं आया? एक बार डिटैच मोड पे चला के देखो तो। कोई मतलब नहीं ना, डिटैच मोड में कंपोज अप में भी डैश डी मारे हैं। डॉकर PS दो तो चल रहा है, ये 5432 पे है TCP, लेकिन ये मैप्ड नहीं है, देख रहे हो? इसका एक्सपोज किया हुआ है पर मैप नहीं किया हुआ होस्ट के लिए, वो अंदर अंदर लिंक है। और ठीक है, देखो तो पास हुआ कि नहीं टेस्ट। पास थोड़े होगा, टेस्ट चेक कर। नो चलो स्किप करो, टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। जो सीखना था वो सीख चुके हैं और जो काम करना था वो काम कर रहा है। टेस्ट क्यों नहीं पास कर रहा ये बस 5 ही है ना, 5 के अलावा तो नहीं है कुछ। है? लास्ट क्वेश्चन डज नॉट पास इवन आफ्टर CP आंसर फ्रॉम वेयर? नो, ईमेल इसको पहले कॉपी करके इसी में पेस्ट कर देते हैं। सबमिट कर देते हैं और हमको लगता है दैट वुड बी इट। चलो यहीं पे हम लोग फिर टाटा बाय बाय करते हैं। लैब 8 हम पास कर लिए, वाह मस्त, यही ना फायदा होता है साथ में करने का। कितना लैब बच रहा हम है, और कितने बच रहा है? लैब 8 ही था, 8 ही करना था, खत्म हो गया तो हो गया। और मैंने बाकी सब भी कर लेना, कल हम लोग फिर उसके बाद से अगर ये प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि किताब पढ़ना थोड़ा बोरिंग होता है। किताब पढ़ने से नॉलेज थोड़ा इन डेप्थ मिलता है पर किताब पढ़ना इन जनरल बोरिंग होता है,
तो ये जो प्लेलिस्ट है इसी को अगला रखेंगे, दिन में 2 वीडियो करके, और डॉकर पांच वो ही है ना, वीडियो है तो डॉकर एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कर। हाँ, और अभी मैं बोल इसके रहा था साथ कि कोई डॉकर किताब कंप्लीट, फॉलो कर रहे थे क्या? हम लोग किताब वो डॉकर इन एक्शन, कोई भी टेक्नोलॉजी है ना तो उसके आगे इन एक्शन लगा दो, और अगर उस सीरीज़ में उस टेक्नोलॉजी का बुक है तो उससे बेहतर बुक नहीं हो सकता है सीखने के लिए, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज, और कोई एक ऐसा बंदा जो सही में उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रियल एप्स बनाता है वैसा बंदा होता है उसमें, तो वही काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से उसको बताता है कि डेवलपमेंट में कैसे क्या और करना है उसको। जैसे कॉटलिन का सबसे पहले हम इन एक्शन सीरीज़ पढ़े थे, कॉटलिन इन एक्शन, मज़ा आ गया। उसके बाद दो तीन और टेक्नोलॉजी का मतलब हम इन एक्शन सीरीज़ पढ़े हैं तो हमको पता है कि वो काफ़ी सही सीरीज़ है। तो डॉकर इन एक्शन भी पार्ट 1 हम लोग उठाए थे, वो उतना मतलब एरर वेरर आने लगा तब पता चला कि उसका पार्ट 2 भी रिलीज़ हो चुका है, तो वही लिबजेन से डाउनलोड करके और उसको फॉलो कर रहे थे। तो ये एक तरीके से इंट्रो था, और उसके बाद इन एक्शन वाला पूरा बुक को ख़त्म करना था, तो इन एक्शन का बुक स्टार्ट करने को पोस्टपोन कर देंगे और तुम जो प्लेलिस्ट दिया उसको बीच में घुसा देंगे, तो उससे एक लेवल ऑफ कंफर्ट और थोड़ा बढ़ जाएगा जिससे इन एक्शन वाला बुक को हम लोग थोड़ा स्पीड में स्किम कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का अगला टारगेट यही होगा कि 4 दिन नहीं लेके हम लोग संडे सुबह या सैटरडे शाम को, जैसे भी हम लोग कंफर्टेबल हैं, कुछ शेड्यूल करते हैं और उस हिसाब से हम लोग ये प्लेलिस्ट ख़त्म किए हुए रहेंगे। ठीक है, ये फ्री कोड कैंप वाला वीडियो और अभी जो ग्रुप में प्लेलिस्ट शेयर किए हैं यहाँ तक कंप्लीट करके रहेंगे। मेक सेंस सबको? आशीष हाँ भैया, कंफर्टेबल है ना? हाँ भैया, उनका पढ़ लेंगे और तो और समझ आएगा। हाँ ठीक है ऋतिक, हाँ ठीक है, तो 2 दिन मतलब संडे सुबह या सैटरडे शाम को जैसा भी अच्छा लगे हम लोग डिसाइड कर लेना तुम लोग, और हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, अभी जो भी काम हुआ वो मतलब OBS से हम रिकॉर्ड कर ही रहे थे तो उसको हम अपलोड भी कर देंगे आधा घंटा के अंदर। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है, चलेगा। तो अभी रखते हैं, 1 घंटा 4 मिनट हो गया सभी। ठीक है, ठीक है, रखते हैं, चलो ठीक है, बाय सी। बाय बाय बाय।